ये लोगो कहीं पन मनो लोग चाहे कुछ भी कहे, अच्छे आदमी का संसार कोई भी कर सकती है। मेरे पति अपाहिज है तो मैंने ठान लिया कि मैं अपाहिज पति के साथ संसार करूंगी। जीवन में कुछ तो अलग होगा। मेरी शादी के समय कुछ कौलारू और कुछ लोहे के छत वाला घर था। छत से इतना पानी टपकता था कि बर्तन खत्म हो जाते थे, पर पानी टपकना नहीं खत्म होता था। मेरे ससुराल जैसे बीड़ियों की फैक्ट्री ही थी। पूरे घर में बीड़ी बनाने के अलावा कोई काम ही नहीं था, क्योंकि वो छोड़कर पैसे कमाने का कोई रास्ता ही नहीं था। 5.5 एकड़ खेती थी। खेती से थोड़ा बहुत पैसा मिलता था, क्योंकि तब पानी कम था। उस समय हमारी खेती बटाई पे दी थी। मेरे पिता के यहाँ गाय थी। उस अनुभव से मैंने सोचा कि हम कुछ और तो नहीं कर सकते, खेती तो इधर है, 1 घंटे के पानी में घास उगा सकते हैं। इसीलिए तब भी निर्णय लिया कि अब इन गायों की मदद से ही हम पैसे कमाएंगे। शुरुआत में कम दूध आता था, फिर कैसे करेंगे, बच्चे तो छोटे थे। मेरे पति सुबह जल्दी उठकर तैयार होके काम पर जाते ही समय किटली में दूध लेके जाते थे, पर हम दूध डेयरी में नहीं डालते थे। हम जाकर लोगों के घर पहुंचाते थे, 1/2 लीटर, 1/2 लीटर, 1 लीटर, इस प्रमाण में हर एक घर में दूध बांटते थे। 1 एकड़ गन्ना लगाया। गन्ने से हमें थोड़ा मुनाफा हुआ। उस मुनाफे से हमने कुएं का काम शुरू किया। कुएं से पानी आने लगा और धीरे धीरे बढ़ गया। 1 घंटे का पानी 2 घंटे मिलने लगा। हमारे लिए वो अच्छा हुआ। उस कमाई से ही हमने और 1 एकड़ खेत में गन्ना लगाया। जितनी भी गायें थी वो सब वापस बेच दी। तब ऐसा लगा कि इनकी स्कूल का काम हो जाएगा। उनकी नौकरी के लिए 5 लाख रुपए तब जमा किए थे, पर फिर सोचा कि अब वापस हमें गायों का ही व्यवसाय करना पड़ेगा। फिर 2007 में गाय खरीद ली। फिर से 5-6 महीनों तक हमारा दिनक्रम शुरू हो गया। पहले जब गायें थी तब अच्छा था, पर बाद में हम उन्हें बेच के बैठे थे। फिर इनका बीएड होने के बाद इन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया। तब ऐसी स्थिति थी कि गाय भी बेच चुके थे, खेती से भी कुछ नहीं मिल रहा था, गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं डाल सकते थे, पैसे खर्च हो चुके थे, कर्जा लेकर बैठे हुए थे, जमीन भी गिरवी रखी हुई थी। मेरे एक भाई ने अनार की खेती लगाई थी। एक दिन बातों में उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी जमीन तो ऐसे ही पड़ी हुई है, आपको अनार की खेती करनी चाहिए। मैंने कहा कि मेरे पति तो अपाहिज है, दवाई छिड़कने का काम कैसे करेंगे, कैसे होगा, मैं क्या करूंगी। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, तुम भी कर सकती हो। तो हम अनार के पौधे लेके आ गए। तब मेरे ससुर भी थे। अनार के पौधे लेके आने के बाद भी उन्होंने उन पौधों को बेचने के लिए कहा। 2009 में हमने वापस अनार लगाए। तब ससुर जी से कह दिया कि अब हम आपकी नहीं सुनने वाले। अनार के पौधे लाए। गोबर की खाद हमारे घर की ही थी, वो खाद पौधों को डाल दी। पैसे खत्म हो गए, तब क्या करेंगे। फिर मैंने और मेरे पति ने ऐसे सोचा कि रोज जिस फसल से पैसे मिलेंगे ऐसी ही फसल हम लगाएंगे। फिर हमने दिमाग लगाया, अनार के पौधों के बीच में घास उगाना शुरू किया। उसे बेचकर हम उससे मिलने वाले पैसों से अनार खेती के लिए खर्चा करते थे। फिर उस खेत में हमने बहुत अच्छी क्वालिटी का अनार लिया। फिर धीरे धीरे एक प्लॉट, फिर दूसरा प्लॉट, फिर तीसरा प्लॉट, ऐसे हम प्लॉट बढ़ाते गए। फिर हमारा आखिर में 5 एकड़ अनार का प्लॉट तैयार हो गया। खेती में जो पहला प्लॉट था उससे थोड़ा ही मुनाफा मिला। एक भयानक बीमारी आ गई थी, पूरा प्लॉट उससे खराब हो चुका था। बीच में मुनाफा बहुत कम हो गया था, सब करके बैठे हुए थे, पर खर्चा बढ़ ही रहा था। उसके बाद क्या ही करेंगे, सारा मुनाफा रुक गया था, पर फिर भी मैंने गायों पर निर्भर रहना नहीं छोड़ा था। तब मुझे समझ आया था कि गायों के सिवाय कुछ नहीं हो सकता। गायों को बहुत अच्छे से पाला। 2021 में अंगूर की खेती करने का सोचा, मतलब पहले सोचा था, पर हमसे होगा क्या, बहुत कठिन है, लोग तो छटाई कर रहे हैं, तो हम कैसे उगाएंगे, अब क्या करेंगे। फिर 1-2 साल हमने जानकारी ली,
फिर हमने अंगूर की क्रिमजन वैरायटी चुनी, क्रिमजन पे ध्यान दिया। आज उसकी ही खेती हमारे पास है। एक बार ऐसा हुआ, हम सो रहे थे और हमारे पास ही बांग आके बैठा हुआ था, तो फिर हमने पक्का घर बनाने का निर्णय ले ही लिया, जमीन नहीं लेने का निर्णय लिया, फिर घर बनाने का काम शुरू किया। अब तक की खेती बहुत मेहनत वाली थी, काम करो जितनी आमदनी आएगी उतनी आएगी, पर अभी ऐसा नहीं रहा। उसके लिए पढ़ी लिखी महिला हो, उसके पास ज्ञान हो, तो वो उन्नति कर सकती है, प्रगति करू शकते।